हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है दिव्या और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई होम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको अपनी स्क्रीन पे मिले। तो ये है बिफोर लुक, आप देख सकते हैं बिफ़ोर कैसा था और आफ्टर मैंने कैसा बना दिया है। और चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लिविंग रूम वॉल डेकोर वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इस वॉल को किस तरह से डेकोर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टेंसिल्स पड़े हुए थे, तो मैं स्टेंसिल से ही पूरा वॉल प्रिंट कर रही हूँ। बहुत ही स्पेस में मैंने स्टेंसिल्स को पेंट किया हुआ है। और आप देखिए, पहले तो हमने डिसाइड किया कि हम पूरे वॉल को एक अच्छे से पेंट कर देंगे, एक अलग लुक दे के आएंगे। फिर मैंने सोचा कि इतना एफर्ट कौन डालेगा, फिर आई एम अ लिटल लेजी पर्सन। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेंसिल से एक अच्छा खासा लुक निकल के बाहर आएगा। मेरे पास ऑलरेडी स्टेंसिल्स पड़े हुए थी। अगर आपको जानना है कि स्टेंसिल्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, तो आप गूगल पे ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेंसिल्स के डिज़ाइंस भी मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन पे से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो स्टेंसिल्स यूज़ किए हैं वो मैंने वॉलमार्ट में से ख़रीदे हैं। और ये जो स्टेंसिल्स के डिज़ाइन देख रहे हैं, ये जो स्टेंसिल्स हैं, मैं एक्चुअली पीलो कवर के ऊपर हम लोग इस तरह के स्टेंसिल्स के प्रिंट करते हैं, या तो फिर अगर आप कोई वॉल आर्ट बना रहे हो कैनवास पे तो ये स्टेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं। बट मैंने इस तरह से वॉल पे लगाने की सोचा क्योंकि ये इसका एक अलग से लुक बाहर आता है और इसका डिकोर भी काफ़ी अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी। और यू नो, चेंजेस हमेशा करती रहती हूँ घर में, तो मैंने सोचा कि इस बार का जो वॉल चेंज कर रही हूँ तो क्यों ना ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करूँ। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी सबसे पहले तो, कि आपने मेरी बालकनी वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। आगे भी और प्यार और सपोर्ट बिल्कुल देते रहिए। तो आफ्टर मैंने स्टेंसिल्स कर देने के बाद यहाँ इस वॉल पे हमने ये टीवी लगा दिया है और नीचे मैंने ऑरेंज एंड वाइट कलर का एक टेबल लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा पुराने फर्नीचर को किस तरह से रीपेंट किया जाए, तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये मैंने खुद पेंट किया हुआ है। तो ये ज़रूर आप देखें ये वीडियो भी, पुराने फर्नीचर को किस तरह से पेंट किया जाए। तो अब हम टीवी टेबल को किस तरह से सजाएंगे। देखिए, ऑनलाइन परचेसिंग मैंने नहीं की है, कुछ भी चीज़ें जो कुछ भी घर में था उसी से ही मैं डेकोर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे टीवी के कुछ बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हैं तीन तीन बॉक्सेस मेरे पास पड़े हुए हैं और इसके बगैर तो टीवी चलता भी नहीं है। तो इसको कैसे छिपाया जाए, तो मेरे पास बहुत ही अलग अलग वैराइटीज़ के कुछ डेकोरेशन के आइडियाज़ हैं, जैसे कि कान्हा जी का झूला है। फिर ये जो एक वास आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये हैंगिंग बॉटल है और इसके अंदर लाइट्स डालकर आप हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज अ फ्लावर वास इसको यूज़ किया हुआ है। और ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये मैंने वॉलमार्ट में से बाय किए हुए हैं। तो चलिए फिर टीवी टेबल को सजाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बॉटल के अंदर मैंने कुछ फ्लावर्स रख दिए हैं और इसका एक अलग से एलिगेंट लुक दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और मुझे तो ये फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद आए, सो ब्यूटीफुल। तो इसके ऊपर हम बहुत ही अच्छी वाली चीज़ें लगा देंगे ताकि ये बॉक्स थोड़े से छिप जाए। तो यहाँ पे कान्हा जी का झूला है जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, इसके अंदर सेल डालना पड़ता है। ये कान्हा जी का झूला जो है वो मेरी मदर इन लॉ जो इंडिया गई थी तब उन्होंने लेके आए थे।
और ये थोड़ा सा सादा सिंपल लग रहा है मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये मेरे पास कुछ क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स हैं तो वही सारा सब कुछ मैं उसके अंदर लगा दूंगी ताकि ये और अच्छा सा उभर करके निकल आए। तो ये कुछ इस तरह से झूले को हमने डेकोर कर लिया। उसके बाद जो दो बॉक्सेस आप और देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपने फैमिली पिक्चर मग है, तो ये मग मैं एक बॉक्स के ऊपर रख दूंगी। तो इस तरह से हम अपने जो बॉक्सेस हैं उनको भी छुपा लेंगे। पीछे भी कुछ वायर्स दिख रहे हैं तो वो भी अच्छे से छिप जाएंगे। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये फेक प्लांट है, डॉलर ट्री में से लिया है। ये जो आप बॉटल देख रहे हैं ये मैंने खुद DIY की है और इसके अंदर मैंने कुछ मोर पंख लगा दिए हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको जानना है कि बॉटल किस तरह से DIY की है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगी इस पर एक अलग से वीडियो बनाने का। इसके बाद मेरे बेटे की कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं जब वो छोटू सा था तब की, और मेरी एक पिक्चर है जो मैंने इस टीवी टेबल पर लगा दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि टीवी टेबल कितना ब्यूटीफुल, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से, जो भी कुछ आपके पास पड़ा हुआ है उसी से ही आप एक अलग लुक दे सकते हैं अपने घर को। तो अब हम चलते हैं वो साइड के कोने में, ये हमारा जो है वो एंट्री डोर है। और यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हैं, मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो क्यों ना इसको भी डेकोर किया जाए। तो इस स्पेस में आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर्स हैं टीवी के और कुछ इंटरनेट के वायर्स भी हैं। तो इस स्पेस को, इस कोने को, मेरे पास एक छोटू सा टेबल है तो उस टेबल पे मैंने एक बहुत ही बड़ा सा फ्लावर वास रख दिया है। एंड अगेन द फ्लावर्स आर फ्रॉम ए वॉलमार्ट। और आप देख रहे हैं ये वास जो है फ्लावर वास वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था। एंड अब ये जो स्पेस आप ऊपर का जो ये कोना देख रहे हैं ये वॉल थोड़ी सी मुझे खाली खाली लग रही है। तो इस वॉल को मैं किस तरह से सजाऊंगी, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी दो पुशपिन वहाँ पे लगा के रख दी है। और मेरे पास कुछ वॉल आर्ट है जो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहे हैं मेरे टेबल की जो कलर है ऑरेंज कलर, और साथ में जो हमने स्टेंसिल्स किया हुआ है एक्वा कलर का, तो उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मेरे पास दो वॉल आर्ट पड़े हुए हैं, वही वॉल आर्ट मैं लगा दूंगी ताकि एक अलग से एलिगेंट लुक आपको लगेगा। और मानो सच बताओ तो पूरे वॉल में ये जो एक कोना है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा मेरा। इसको देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, इट लुक्स समथिंग एल्स। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये कोना। इसका जो स्पेशल इफ़ेक्ट है वो ये सारे फ्लावर वॉश से ही आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आप भी अपने घर में चेंज कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टीवी वॉल को चेंज कीजिए, टीवी दूसरे वॉल पे लगाइए, क्योंकि ये ईजी नहीं है। बस आप एक बार डेकोर इसका चेंज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा वॉल डेकोर, वॉल मेकओवर। आप भी इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से अपने वॉल को डेकोर कर सकते हैं। और ये जो लाइट है इसका इफ़ेक्ट कुछ अलग ही आता है। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं वो हमने लोज़ में से ख़रीदी है।
और इसका एक अलग से ही लुक निकल करके बाहर आता है। इट लुक सो ब्यूटिफुल एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। आगे भी देते रहिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में बनाऊँगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मोटिवेशन। तो प्लीज़ गाइस कमेंट के थ्रू ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे मोटिवेट होंगे। तो प्लीज़ गाइस एक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताया कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने पसंद है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़रूर उस तरह के वीडियोस बनाऊँ। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। वीडियो के नीचे ही शेयर का बटन है, प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।